फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीख रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप मेरे साथ बने रहें और देखें, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी आई जे ट्रांसपोज। सी आई जे ट्रांसपोज, सी आई जे इज वॉट? तो अब सी आई जे की बात आई, तो व्हाट इज सी आई जे? तो सी आई जे जो है आपका, ये है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ आयथ रो एंड जेथ कॉलम, ये कोफैक्टर है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है, मान लीजिए कि मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 3 1 2 1 0 1 2, इसके हमें को क्या निकालना है? इसका हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। आपने अगर मेरा कोफैक्टर का वीडियो नहीं देखा तो उसे कोफैक्टर का वीडियो भी देखिए। -1 to the power 1 + 1, ये गया ये गया, पहली रो गई, पहला कॉलम गया, 2 2 1 1। अब C12 क्या होगा? -1 to the power 1 + 2, पहली रो और दूसरा कॉलम गया, 1 1 0 2। C13 पहली रो गई, तीसरा कॉलम गया, इसको छुपा लें, पहली रो और तीसरे कॉलम को, 1 2 0 1। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये, फर्स्ट कॉलम ये, 1 3 1 2 1 3 1 2 और -1 to the power 2 + 1। C22 -1 to the power 2 + 2, ये गया और ये गया, 2 3 0 2। C23 -1 to the power 2 + 3, ये गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 0 1। C31 -1 to the power 3 + 1, C31 -1 to the power 3 + 1 और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 3 2 1। C32 -1 to the power 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 1 1। C33 -1 to the power 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 1 1 2। अब हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करते, 2 2 4 -1 3 और ये है -1 to the power even number, तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू, इधर देखिए -1 to the power 1 + 2 ऑड और 2, तो ये हो जाएगा -2। ये देखिए 1 into 1 1 -0 और ये -1 to the power even, तो 1। इधर देखिए 2 -3 -1 और ये ऑड है, तो +1। इधर देखें 2 2 जा 4 -3 into 0 4 और -1 की पावर even है, तो 4। इधर देखिए 2 into 1 2 -0 और ये ऑड है, तो ये हो जाएगा -2। ये 1 -6 -5 और ये even है, तो ये रहेगा -5, नो चेंज। 2 into 1 2 -3 -1 और पावर है ऑड -1 की, तो -1 into -1, तो ये हो जाएगा आपका +1। 2 2 जा 4 -1 4 -1 3 और ये पावर है even, तो ये 3 ही रहेगा। अब हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए, तो एडजॉइंट क्या होगा उसका? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, सारे कोफैक्टर्स जमा दो आप, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, सारे को फैक्टर्स जमा दिए और उनका ट्रांसपोज ले लें। तो सारे को फैक्टर्स जमाएंगे, 3 -2 1 और 1 4 -2 -5 1 3 और फिर इसका ट्रांसपोज ले लें, तो यह आ जाएगा 3 -2 1 1 4 -2 -5 1 3, ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए।
अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, हमेशा याद रखो आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो निकाला है वो सही निकाला है कि गलत। तो एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ पे लिख लें आप, 3 1 माइनस 5 माइनस 2 4 1, 1 माइनस 2 3, 2 1 3, ए की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 2 1 3, 1 2 1, 0 1 2। ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी होता है और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी होता है, तो आगे पीछे भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 प्लस 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3 प्लस 1 2 2 2, 3 प्लस 2 5 5, और ये माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 तो 0, 3 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 10, तो ये भी वही आ गया, 9 प्लस 1 10 माइनस 10 0, लग रहा है सही सही आ रहा है। अब देखिए माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 0 आ गया। अब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, और ये जो है 1 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान से देखिए, माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 1, ये देखिए 8 प्लस 1 9 माइनस 2 7 आने लग गया बराबर। अब यहाँ आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अब आपका आंसर सही है, फिर भी हम पूरा वेरीफाई कर देते हैं इसको, माइनस 2 3 जा 6 प्लस 4 प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास माइनस 6 प्लस 4 प्लस 2, ये भी 6 है 0, 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 प्लस 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 इंटू 1 3 0, अब ये 7 ही आएगा, देखिए आप 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, और 3 टू जा 6, 1 प्लस 6 7, ये आ गया आपके पास। तो ये इसका वेरिफिकेशन भी हो गया, तो आप कोई भी एडजॉइंट का क्वेश्चन करेंगे तो उसको वेरीफाई भी कर ले, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सम प्रॉब्लम इज देयर एंड देन यू नीड टू इम्प्रूव दैट, तो उसको सुधारने की ज़रूरत होगी, और नहीं तो आपका आंसर सही हो गया। अब मैं आपको दो क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ जिसको आप सेल्फ ट्राई करना, 2 1 3 1 0 माइनस 2 2 3 1, एक और दे देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 1 1 2 1 2 1 2 1 माइनस 4, ये दोनों क्वेश्चंस आप एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट निकाल के दोनों को वेरीफाई भी करना कि ये आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर 2 बाय 2 का होगा केस, तो 2 बाय 2 के केस के लिए भी मैं आपको एडजॉइंट निकालना सिखा देता हूँ, ए इज इक्वल टू है, ये तो और आसान है, 2 1 3 माइनस 4, ये है आपका। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, C11 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, इसको छुपा लिया इसको छुपा लिया, क्या आ गया आपके पास माइनस 4, C12 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2, इसको छुपा लिया इसको छुपा लिया, तो ये आ गया आपके पास माइनस 3, ये आ गया माइनस 4, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, ये गया 1, ये आ गया माइनस 1, C22 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2, ये आ गया आपके पास 2 इज इक्वल टू 2। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे C11, C12, C21, C22 और उसका ट्रांसपोज, तो ये आ गया आपके पास C11, C11 का वैल्यू कितना है माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 2, और फिर उसका ट्रांसपोज, तो आ जाएगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 2, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसको भी आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई मैं कर देता हूँ आपके लिए, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होने वाला है,
या इसमें आप चाहें तो ऐसा कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो, ए लिख दो आप 2, 1, 3, -4, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -4, -1, -3, 2, मल्टीप्लाई करें 2 × -4 -8 -3, कितना आ गया आपके पास -11, 2 × -1 -2 + 2 0, 3×4 = 12, और ये भी 12, तो -12 + 12 0, 3 - -3 और -8, ये हो गया आपका -11, ये आ गया उसी टाइप का। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया। 2×2 का भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप चाहें तो अपने घर पे करें, 4 - 5 - 3 - 2, और वेरीफाई भी करके देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करना है, और विश यू ऑल द बेस्ट।